नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं सरोद वादकों की युवा पीढ़ी में सशक्त नाम सारंग कुलकर्णी से। कल आपने उनके इंटरव्यू का पहला हिस्सा देखा था, आज देखिए इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा। सारंग, और बातचीत को आगे बढ़ाएं उसके पहले फिर से एक बार यही गुजारिश करूंगा कि कोई एक शास्त्रीय राग हो जाए जो आपके दिल के करीब हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपके सामने राग भीमपलास में आलाप और जोड़ प्रस्तुत करता हूं। Thank you.
Thank you.
Thank you.
ये जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि पिता के संस्कार हैं कि आपको आप जमीन से जुड़े हुए हैं, ग्राउंडेड हैं अभी तक, और रहना भी चाहिए। बड़े बुजुर्गों की जो सीख होती है वो यही होती है, वही वही आपके काम आती है। मुझे सारंग आपके ढेर सारे कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम का किस्सा या उसकी यादें जरूर जानना चाहता हूँ। जब आप को जसराज जी के सामने कार्यक्रम किया आपने, और जसराज जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी आपको, उस कार्यक्रम के बारे में जरूर बताइए। तो वो ऐसा था कि उनका एक विंग था जसराज जी का, आचार्य विश्वनाथ देव शर्मा फाउंडेशन करके। तो वो पूरे हिंदुस्तान में एक, जब जबकि रियलिटी शोज़ नहीं थे इंडियन क्लासिकल के लिए, तब की बात है कि वो कंपटीशन एक ऑर्गेनाइज करते थे, और सारे हिंदुस्तान से सब लड़के लड़कियां आती थी परफॉर्मेंस के लिए। और उस कंपटीशन से वो सब हर एक कैटेगरी से दो दो लड़के और लड़कियां सिलेक्ट करते थे कि एक हिंदुस्तान क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल हुआ, वोकल हुआ, डांस हुआ, इसमें से दो दो ही लड़कियां, दो दो बच्चे सिलेक्ट करते थे कि जो उनका प्रोग्राम होता था न्यूयॉर्क में, यूएस में। तो बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस कंपटीशन था पहले से, और उसका एक बहुत, ऐसे कहते हैं ना कि एक हवा था कि वो बहुत टफ होता है और वो क्रैक करना बहुत ही टफ होता है। तो मैं 17 साल का था तब, और मेरा फर्स्ट टाइम ही मैं गया था कि जाके देखते हैं कि क्या होता है। वो सिलेक्शन तो होगा ही नहीं मेरा वहाँ पे जाके, पर एक पता चल जाएगा कि और भी लड़के क्या कर रहे हैं, क्या बजा रहे हैं। तो उससे हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छा कर पाए। तो मैं गया था वहाँ पे, और यही सब जजेस थे, जसराज जी थे, पंडित रतन मोहन शर्मा जी थे, राजा काले जी थे, और शिव जी और हरी जी भी थे। तो ये सब जजेस थे वहाँ पे, और मैंने चारुकिशी बजाया था। वो 15 या 20 मिनट के लिए कुछ वो सुनते हैं आपको, और बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। और 4 बजे के आसपास सब ख़त्म होने लगा, 4 या 5 बजे के आसपास। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की वहाँ पे कि सारंग कुलकर्णी और एक दो तीन बंदे थे कि इनको रुकना है कुछ कारण के लिए। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, पर वो बोले कि आपको वापस वो सुनना चाहते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट जैसे एक हो चुके हो। तो मैं चला गया अंदर, और मुझे बहुत ही टेंशन आ गया कि ये अभी क्या क्या होगा, मैं अभी क्या सुनाऊं इनको कि मैं अच्छा दिखूं सब लोगों में। पर मैं अंदर चला गया, और वो बोले कि आप मत बजाओ, ये दोनों का हम सुनेंगे। और ठीक है, उस टाइम मुझे लगा कि शायद मुझे वो कैंसिल ही कर रहे हैं अभी कि आपका सुनना ही नहीं है हमको, ये दोनों हैं, इनमें से ही एक कोई तो आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं रुका था वो अनाउंसमेंट के लिए बाद में जाके। तो उन्होंने मेरा ही नाम लिया कि, और एक लड़का था और मेरा नाम लिया कि ये आप, ये दो आप सिलेक्ट हो चुके हो। तब उस टाइम का फीलिंग मैं आज भी बयान नहीं कर सकता कि क्या हो रहा था मेरे अंदर। पर ये वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया, और फिर हमको जाना था न्यूयॉर्क के लिए परफॉर्मेंस के लिए। तो एक बहुत ही एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए था वो। और फिर बाद में जाके, उस टाइम तो जसराज जी से बात नहीं हो पाई, पर न्यूयॉर्क में जब हम गए थे तो वहाँ पे जसराज जी ने मुझे, एक उनका मैसेंजर था वहाँ पे कोई, तो बोले कि आपको जसराज जी नीचे बुला रहे हैं उनके रूम में। तो मैं चला गया वहाँ पे, और मैंने अंदर जाके उनसे नमस्कार किया उनको, और बैठा वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि आप कुलकर्णी हो, और मैंने आपके बायोडाटा में पढ़ा कि आप अमृतसर से भी कुछ हो, तो आपके दादाजी भी वहीं पे थे क्या अमृतसर में? मैं बोला हाँ, कि वो वहीं पे थे, और उनका एक विद्यालय भी था। उन्होंने पूछा कि एक विद्यालय था वहाँ पे, मैंने बोला हाँ कि वो उनका एक गांधर्वा विद्यालय वो चलाते थे वहाँ का। तो वो बोले कि अरे क्या बात कर रहे हो, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने आज आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, क्योंकि हम आपके दादाजी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। जब भी हम पंजाब जाते थे तब हम एकदम आपके घर में रहते थे, और वो दादाजी मेरे बहुत उनकी सेवा करते थे, और वो बहुत सारे वो जो उनके मेमोरीज थे वो शेयर कर रहे थे। तो एक बहुत ही एक गर्व की बात थी मेरे लिए कि
इतने बरसों बाद भी इतना बड़ा कलाकार एक वो अमृतसर की एक बात अभी भी याद रखता है, और उनको वो कनेक्शन भी खुद को ही वो खुद ही कनेक्ट कर पाते हैं कि शायद वो इनका कुछ रिश्तेदार हो सकता है, तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी उस टाइम। मैं समझ सकता हूँ कि 17 साल की उम्र में अगर आपको जसराज जी से बात करना, तो छोड़िए अगर जसराज जी को सामने से देखने का भी मौका मिल जाए, तो ऐसे मूर्धन्य कलाकार, ऐसे महान कलाकार, तो वास्तव में मतलब थोड़ी देर तो लगता होगा, ये अंदर से पूछना पड़ता होगा कि सब कुछ सही है ना, सपना तो नहीं देख रहे हैं। बट वही मैंने कहा कि संभवतः आपके सबसे मेमोरेबल प्रोग्राम्स में से रहा होगा। इस बातचीत में अब वक्त है एक और ब्रेक का। कल एक बार फिर जुड़ेंगे सारंग से रात 10 बजे हमारे YouTube चैनल पर, और बातचीत करेंगे उनके संगीत सफर में उनकी पत्नी और देश की जानी मानी गायिका कलाकार प्रियंका बर्वे पर, उनके बच्चे पर और उस वीडियो पर जो बहुत वायरल हुआ था।